टेक्निकल एमआरडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दबा दीजिए इस घंटी को ताजो आपको मिलते रहे हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। टेक्निकल एमआरडी यूट्यूब चैनल में दोस्तों आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे काइनमास्टर में कि आप किस तरह से रनिंग टेक्स्ट लगा सकते हैं अपनी वीडियो के नीचे। दोस्तों आपने देखा होगा कई लोगों की वीडियो के नीचे रनिंग टेक्स्ट चलते दिखाई देते हैं, तो आप किस तरह से अपनी वीडियो के नीचे रनिंग टेक्स्ट लगा सकते हैं, तो आज हम इस वीडियो में आपको यही बताने वाले हैं। तो दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आप मेरे YouTube चैनल में पहली बार आए हैं तो वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा, उस पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताजो आपको न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहें। तो दोस्तों जानते हैं आप कैसे अपनी वीडियो के नीचे रनिंग टेक्स्ट लगा सकते हैं, तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन में काइनमास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिए। जैसे ही आप ओपन कर लेते हो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। तो सबसे पहले हम जाएंगे मीडिया में। मीडिया में क्लिक करने के बाद हम जहाँ पे बैकग्राउंड एक पेज लेंगे जहाँ से, तो जहाँ पे देखिए मैं ये वाइट वाला पेज है जहाँ से ले लेता हूँ, और जहाँ पे देखिए हम जहाँ पे टिक के निशान पे क्लिक कर देते हैं। तो आपने जो भी वीडियो पे लगाना है ये रनिंग टेक्स्ट, तो जहाँ से आप लेयर पे जाके जहाँ पे मीडिया में जाके वो वीडियो जहाँ पोर्ट कर सकते हैं। तो हम आपको बताने वाले हैं कि आप रनिंग टेक्स्ट किस तरह से लगा सकते हैं अपने यूट्यूब की किसी भी वीडियो के नीचे। तो आपने क्या करना है, सिंपली जहाँ पे आपको टेक्स्ट की ऑप्शन दिखाई दे रही होगी तो आपने सिंपली जहाँ पे क्लिक कर देना है। तो जहाँ पे देखिए आपको जो भी रनिंग टेक्स्ट लगाना है तो जहाँ पे आप उसे टाइप कर दीजिए। तो मैंने ये टाइप कर दिया। तो दोस्तों एक बात का ध्यान रखना, जैसे ही आप कुछ टाइप करते हो तो आपने क्या करना है, एंड में थोड़ा सा स्पेस दे देना है 3-4 बार। तो ऐसे ही आपने फर्स्ट नंबर पर भी स्पेस दे देना है। तो उसके बाद हमने ओके पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप ओके पे क्लिक करते हैं आपके सामने ये देखिए टेक्स्ट है जहाँ पे आ चुके हैं जो भी आपने टाइप किए हैं। तो आप देखिए इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं अगर आप इसमें एडिट करना चाहते हैं कुछ। तो जैसे इस पर क्लिक करते हैं जहाँ पे देखिए आपको ऊपर कीबोर्ड का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, तो जहाँ पे क्लिक करते हैं तो जहाँ से सिंपली आप यहाँ से इसको एडिट कर सकते हैं। ओके पे क्लिक करने के बाद देखिए अब हम इसका कलर चेंज करेंगे। तो जहाँ पे देखिए आपको एक बिंदी आकार का वाइट आइकन आपको दिखाई दे रहा हो, तो आपने जहाँ सिंपली क्लिक करना है तो जहाँ पे जो भी आप कलर देना चाहते हो रनिंग टेस्ट का, तो जहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे रेड कलर चूज़ कर लिया। उसके बाद आपके सामने ये टिक का निशाना आपने इस पर क्लिक कर देना है। तो देखिए दोस्तों हमारा जो कलर है जहाँ पे चेंज हो चुका, अब हम इसको सेट करेंगे, इसको स्क्रॉल करेंगे पीछे को। तो देखिए जो हमने स्पेस दिया इसलिए दिया कि ताजो हम इसको स्क्रॉल करेंगे तो हमें वो फॉन्ट दिखाई ना दे। जैसे हम ये देखिए स्क्रॉल करेंगे जी हमें फॉन्ट दिखाई दे रहा, तो हमें जो ये फॉन्ट है ये दिखाई देने नहीं चाहिए। तो देखिए हम इसे सेट कर देते हैं। तो आप इसका लेंथ है जो बढ़ा भी सकते हैं आप जितना आप लगाना चाहते हो। तो मैंने ये लेंथ है जहाँ पे बढ़ा ली है स्क्रॉल करके। तो देखिए जहाँ पे हम क्या करेंगे, इसे जहाँ पे स्क्रॉल करेंगे पीछे को, तो जहाँ पे देखिए जैसे आप एंड में स्क्रॉल कर देते हो आपने क्या करना। तो दोस्तों देखिए जैसे ही आप जहाँ पे की के बटन पे क्लिक करते हो आपके सामने एक आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा प्लस का, तो आपने सिंपली उस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इस बटन पे क्लिक करते हो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा, इसका प्लस का आइकन आपको दिखाई देगा। आपने प्लस के आइकन पर क्लिक नहीं करना है। तो आपने क्या करना, जो आपने टेक्स्ट टाइप किए थे उसको आपने स्क्रॉल करना है पीछे को, तो इसे पूरा स्क्रॉल कर देना है ताजो हमें जो स्पेस दिया है वही हमें दिखाई दे। तो हमने क्या करना, जो हमने लेयर लिया था टेक्स्ट वाला उसे भी हमने स्क्रॉल करना है पीछे को। तो देखिए दोस्तों जहाँ पे जैसे हम स्क्रॉल करते तो हमने थोड़ा सा स्पेस दे देना है जहाँ पे 4 सेकंड का, तो जहाँ पे प्लस का आइकन आपको दिखाई देगा, तो आपने प्लस के आइकन पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करते हो देखिए अब हम जहाँ पे टेक के निशान पे क्लिक कर देते हैं। तो जैसे आप क्लिक कर देते हो आपका जो टेक्स्ट है रनिंग टेक्स्ट रेडी हो चुका है, हम आपको प्ले करके दिखाने वाले हैं। तो हम जैसे ही प्ले के बटन पे क्लिक करते हैं ये देखिए आपके सामने जो रनिंग टेक्स्ट है जहाँ पे चलना स्टार्ट हो गए हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप किसी भी यूट्यूब की वीडियो के नीचे रनिंग टेक्स्ट लगा सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।